सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देखा ही है, कि आप कैसे अपने गेम में फ्री फायर का परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या परमानेंट बंडल कहते हैं। जैसे आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अज्जू भाई हो गए, बैच 99, उनका खुद का परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन है कि उन्होंने वही बंडल डाल के खेलना और बंदा एक मिनट में पहचान लेता है कि हमारा वही यूट्यूबर है, ये फेक नहीं है। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं अपना कंटेंट थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने जो फ्री फायर के सब्सक्राइबर थे उनको भी, मतलब उनके लिए भी वीडियोज़ आएंगी। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अभी वीडियो मत छोड़ो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब ये तो बताऊंगा ही कैसे बनाना ड्रेस कॉम्बिनेशन, ऐसे ही नहीं टाइटल थंबनेल में लिखा, पर पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ उसके फ़ायदे क्या हैं। तो भाई पहला फ़ायदा सुन लो, अगर तुम मान लो तुम एक यूट्यूबर हो तो तुम, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा तुम अपना बना लो परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन। हालांकि मैंने अभी तक नहीं बनाया, तो फ्यूचर में मैं भी सोचूंगा बनाने को, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर हो तो बंदा जो आपको सब्सक्राइबर वगैरह मिलते हैं तो वो देखते ही पहचान लेगा आप हो ये। और भाई अगर आप यूट्यूबर नहीं भी हो ना, फिर भी आपकी एक अलग ही पहचान बनती है। मान लो आप कस्टम लगाते हो तो वैसे ही बंदा देख के पहचान लेगा, भाई हाँ ये वही बंदा है भाई, कि मतलब सेम कपड़े डालता है, तो ऐसे आपकी अलग ही पहचान बनती है। तो गाइस मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा बनाओ अपना, और मैं भी सोच रहा हूँ बना लूँ थोड़े दिन में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ आपको बनाना कैसे है। सो गाइज मैं नॉर्मल कपड़े पिला दिए अपने आलोक को, और आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉल्ट सेक्शन में आ जाना है। और उसके बाद आपको कब देखना है, सबसे पहले आपको टोपी की सेक्शन में देखना है आपके पास क्या अच्छा है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारी टोपी हैं, जैसे कि आप ये देखो वैनम का आपके पास ज़रूर होगा, क्योंकि वैनम बंडल बहुत लोगों के पास था, मेरे को इतना पता है। और यहाँ पे आप देसी गैंगस्टर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टोपी के सेक्शन में आपके पास बहुत कुछ होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा भी है। जैसे ये टोपी भी ठीक है, अच्छी है। तो गाइज मैं तो यहाँ पे काउबॉय की यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को बंटा निकला है तो उसका फ़ायदा है तो उठाया जाए। तो उस पर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें मास्क मुस्क स्कार्फ सेक्शन में देखना है हमारे पास क्या अच्छा है। देखो भाई मैं इतना भी ज़्यादा टॉप अप नहीं मारता, तो मेरे पास ज़्यादा स्कार्फ स्कूर्फ वैसी चीज़ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे ये भी अच्छा है, और ये डॉक्टर रेड बंडल का फ़ायदा उठा दें हम। फेसमेंट पे आप ट्राई करके देखो क्या अच्छा कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। जैसे इसकी आँख देखो यार कितनी मतलब भयानक लग रही है, मज़ा आ रहा है। अब टॉप में सेक्शन मैन का मैं बैंडेड बंडल लगाता हूँ तो इतना मैच नहीं कर रहा यार, जो चीज़ें मैच करेंगे मैं वही लगाने वाला हूँ। तो टॉप्स भी आपके पास अलग अलग तरह के पड़े होंगे, और आपको ना कुछ ऐसा सिलेक्ट करो जो आपको ऐसे लगे कि ये बंदा तो थोड़े पास बंदों के पास कम है। तो मैं नीचे जाता हूँ, असल में मेरे पास इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ इतना भी नहीं खेलता फ्री फायर। और यहाँ पे ये वाइट टी शर्ट सॉरी वाइट हुडी अच्छी है, पर लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें हाइट वेस्ट नहीं है, पर लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ करने वाला हूँ। और आपको पैंट में आना है, और मैं आपको पहले ही बता दूँ अगर आपके पास ये वाला जैज पैंट्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आपके पास कोई और ब्लैक पैंट होगा। असल में ना मैंने 1.5 महीने से गेम नहीं खेली थी, तो मुझे पता नहीं है और कोई ब्लैक पैंट मिली कि नहीं। और देखो भाई ये भी कितनी अच्छी लग रही है हड्डी सी। और मेरे पास अच्छी कोई ब्लैक पैंट नहीं है, पर आप लोगों के पास पड़ी होगी क्योंकि आप खेलते हो। और देखो यार, और मेरे पास जैज पैंट्स है तो मैं जैज पैंट्स का फ़ायदा उठाऊंगा ना क्या भाई। और यार शूज़ में आने के बाद आपको हर एक बूट को ट्राई करनी है, अच्छी अच्छी देखनी है कि कौन सी शूज़ अच्छी लग रही है। जैसे कि ये शूज़ भी अच्छी लगी थी मेरे को यार। और नीचे जाते हैं, पर लेकिन ये देखो चप्पल बहुत काम की चीज़ है यार, चप्पल है तो बहुत कुछ है। अब चप्पल में देखो ये चप्पल तो ठीक ठाक है, पर लेकिन ये वाली चप्पल तो मेरे को बहुत पसंद लगती है। और मैं इन दोनों में सिलेक्ट कर रहा हूँ कौन सा लगाऊँ, तो मेरे ख्याल से वाइट वाला लगाऊँगा, तो मैंने वाइट वाली शूज़ पहन ली हैं। और गाइज हमारे परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन बन गया। और रुको रुको रुको, अगर आपको मेरे साथ खेलना है ना तो मेरी UID देख लो, आपको बाकी टेक्स्ट में दिखी रही होगी, तो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना और कमेंट कर देना। और अगर गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या करना है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बाकी आपको पता ही, आप खुद कर ही दोगे, मुझे विश्वास है आप पर। तो गाइस आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और अच्छा कंटेंट आएगा, मैंने आपको बताया है, मैं अपनी कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।